योग की क्रांति लाने वाले और विश्व स्तर पर इसे मान्यता दिलाने वाले परम श्रद्धेय योग गुरु बाबा रामदेव का हिसार मिलिट्री स्टेशन के योग शिविर में आगमन पर जनरल पीएम वत्स, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 33 आर्मर डिवीजन एवं अन्य पदों और उनके परिवारों की तरफ से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्वेता स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बाबा रामदेव विश्व प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए योग के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास किया है। बाबा रामदेव राष्ट्रवादी सन्यासी हैं। अपने देश और संस्कृति के प्रति उनका अगाध प्रेम है। बाबा रामदेव ने 1995 में योग और प्राणायाम को लोकप्रिय बनाने तथा आम इंसान को आयुर्वेदिक चिकित्सा सुलभ कराने के उद्देश्य से हरिद्वार के कनखल स्थित कृपालु बाग आश्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के माध्यम से बाबा आरोग्य, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक सेवा प्रकल्पों का संचालन कर रहे हैं। बाबा ने अनेक स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया है। बाबा सरल योग क्रियाओं के साथ साथ प्राणायाम सिखाते हैं। योग के साथ बाबा संतुलित आहार पर भी जोर देते हैं। टेलीविजन पर आस्था एवं अन्य चैनलों पर प्रसारित उनके टेलीविजन कार्यक्रम भारत के साथ साथ समूचे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में भी बेहद लोकप्रिय हैं। बाबा का ये मानना है कि सभी धर्मावलंबी अपनी आस्था और विश्वास के साथ एकजुट होकर रह सकते हैं। बाबा रामदेव की महत्वाकांक्षी परियोजना पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का शुभारंभ 6 अगस्त 2006 को हुआ, जिसे वो विश्व का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद चिकित्सा और प्रयोग तथा प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं। आर्य समाज की विचारधारा में विश्वास रखने वाले बाबा रामदेव स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं। बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया है। योग को कंदराओं और आश्रमों से निकालकर आम इंसान से जोड़ा है। दिन प्रतिदिन महंगी होती आधुनिक चिकित्सा आम इंसानों की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में बाबा ने मुफ्त की योग शिक्षा देकर करोड़ों लोगों का भला किया है। बाबा ने योग की ज्योत को शहरों, कस्बों तक प्रज्वलित करने और स्वास्थ्य चेतना जागृत करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। उनका मानना है कि हर घड़ी, हर मुहूर्त शुभ है और हर दिशा में परमात्मा है। बाबा धर्म और अध्यात्म को विज्ञान की आंखों से देखते हैं। वे धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रखर संवाहक होने के साथ साथ धर्म के नाम पर भ्रम, अज्ञान और पाखंड के कड़े आलोचक भी हैं। बाबा रामदेव को जनवरी 2007 में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, उड़ीसा ने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। मार्च 2010 में उन्हें एमिटी विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री से सम्मानित किया। बाबा रामदेव के लिए जन कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा रामदेव का सन्यास समाज से पलायन कर निजी मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि वे समाज में रहकर उसे सही दिशा देना चाहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज बाबा हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं और वे हमें योगिक क्रियाओं और प्राणायाम के बारे में बताएंगे। बाबा रामदेव। Thank you.
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्रियात्मक योग में एक है प्राणायाम और ध्यान और दूसरा है आसन और व्यायाम। शुरुआत हम लोग प्राणायाम से करेंगे। यो तो मनुष्य का शरीर भगवान की बहुत बड़ी वैज्ञानिक रहस्यपूर्ण रोमांचक रचना है। मैं इसको अक्सर दो शब्दों में कहा करता हूं। एक तो ये ऊपर ऊपर का है, ये तो है हमारा हार्डवेयर, और इसके भीतर जो सिस्टम चल रहा है उसको मैं कहता हूं सॉफ्टवेयर। तो पहले आप लोगों का सॉफ्टवेयर ठीक करने का तरीका बताते हैं, फिर हार्डवेयर कैसे अच्छा रखें। वैसे आप भी बहुत से तरीके जानते हो, इसमें हम भी कुछ जोड़ देंगे। 99% हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अर्थात हमारा ब्रेन, ब्रेन सेल्स, हमारा हार्ट, हार्ट का पूरा इंटरनल फंक्शन, लीवर, किडनी, पूरा नर्वस सिस्टम, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमस सिस्टम, वॉलंटरी ऑटोनॉमिक सिस्टम, सब कुछ अपने आप चल रहा है अंदर से। ये ऑटो मोड पर चलता रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं, और ये डिस्टर्ब हो गया तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। तो हमने एक तरीका खोजा हमारे पूर्वजों ने प्राणायाम का। प्राणायाम करने से बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। बहुत बड़ी बीमारी आजकल एक हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज। किसी बीमारी का पता ना लगे तो बोले ऑटो इम्यून डिजीज है। योग से सारी ऑटोमेन डिजीज खत्म हो जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कैंसर तक तो हमने अच्छा किया है। अब यही हिसार में ही हो, यहां पर भी एक भाई आए, बोले बाबा जी, उनका नाम था करण सिंह हुड्डा, फूड पाइप का कैंसर हो गया था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट, सारे मेडिकल जांचें थी, प्राणायाम किया, करीब 7-8 महीने में ठीक हो गया। 2008 की बात है, अब तो मिलने के लिए आया था शिविर में, तो आके कहने लगा, बोले बाबा जी मैं तो निहाल हो गया, नहीं तो फूड पाइप का कैंसर हो गया था। मैंने ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड से लेकर के अर्थराइटिस, अस्थमा और जो तमाम तरह की क्रिटिकल डिजीज बोले जाते हैं, हेपेटाइटिस, रेमेटाइड अर्थराइटिस, सोरायसिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा से लेकर के स्क्लेरोडर्मा, और हार्ट का फंक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, किडनी का फंक्शन कम हो गया, लीवर का फंक्शन कम हो गया, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, सुप्त शक्ति हमारी पूरी जागृत हो जाती है, एक की केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, बॉडी और माइंड का सब कुछ बैलेंस हो जाता है। सबसे बड़ी बात है बॉडी ऑटो सिस्टम पर आ जाती है। तो क्या कैसे आती है, उसके तरीके हैं। लंबा गहरा सांस भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऐसे, करीब 5 सेकंड में सांस को लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये एक रिदम होता है। मैं आपको 5-7 बार करके बता रहा हूं, देखो ये।
मैंने 5-7 बार करके आपको बताया। अभी थोड़ी गर्मी का समय, इतने में नथुने गर्म हो जाते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है, हार्ट से ब्लड, ब्लड का भी जो ऐसे 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं WBC, एक को बोलते हैं RBC, एक को बोलते हैं प्लेटलेट। तो ये जो RBC है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फिर हार्ट में चले जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स फिर हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीओ से कैपरीज में, कैपरीज से फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं, आर्टरीज, आर्टरीओ, कैपरीज और फिर पूरे बॉडी के एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक कर पाते हैं, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10 हजार ml ऑक्सीजन का मेंटेन करते हैं। तो प्राणायाम आपने, ये एक मिनट में काम हो जाता है, एक मिनट आपने प्राणायाम किया तो आपके एनर्जी का लेवल 10 टाइम्स मोर हो जाता है। ये है इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म। डायाफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, नॉट एब्डोमेन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग इज रॉन्ग ब्रीदिंग। पेट में यूं नहीं भरना, नो दिस इज रॉन्ग। जिनको हाई बीपी की, हार्ट की, हर्निया की, बैकएक की कमजोरी है, जो वीकनेस हो, तो धीरे करना, बस सामान्य बात, तरीका बता रहा हूं। मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है योग की प्रत्येक क्रिया में। मेथड अर्थात उसका तरीका, टाइमिंग उसका समय, कंटिन्यूटी निरंतरता और एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है योग करते समय। मेथड राइट होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर, जिस क्रिया को जितने समय करना है उतने समय तक उसका अभ्यास करें, कंटिन्यूटी में करें, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एक बार करने का समय, फिर कुल उसका एक राउंड, कुल टाइमिंग, जैसे भस्त्रिका है तो एक बार का टाइमिंग है 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, कुल टाइमिंग है 5 मिनट्स, एक राउंड पर्याप्त है, इनकरेबल डिजीज होती है तो 2-3 राउंड कराते हैं। कपालभाति का 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स, विद इन 5 मिनट्स 300 स्ट्रोक्स, दिस इज 1 राउंड। नॉर्मल डिजीज में 2-3 राउंड, इनकरेबल डिजीज में तो हम 30 मिनट्स to 1 आवर तक करवा देते हैं, जब पूरे शरीर में गांठे हो जाएं, कैंसर जैसी बीमारी, ऐसा MS ऑटोमेट डिजीज हो जाए तब। तो ऐसे एक एक योग की क्रिया का समय भी हम साथ साथ बताते हैं। सामान्य रूप से कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे ज्यादा कराते हैं, बाकी 1 राउंड 5 मिनट्स का नॉर्मली होता है। एक आसन का पोस्चर का टाइम होता है 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट नॉर्मल टाइमिंग होता है। इनकरेबल डिजीज में कोई रोग विशेष है तो उसमें उस पोस्चर को 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स तक मैक्सिमम करवा सकते हैं। खैर, ये भस्त्रिका, ये तो मैंने बताया सामान्य जो रोगी है या सामान्य व्यक्ति कर रहा है उसके लिए, जवानों के लिए और हमारे फौजी भाइयों के लिए फौजी स्टाइल भी है का, वो क्या है, 1 मिनट में पसीना आ जाएगा। देखो जो फौज वाले होते हैं, जवान लोग होते हैं ना, उनको जब तक पसीना ना आए ना तब तक मजा नहीं आता है। तो भाई फौज वाला प्राणायाम बताता हूं बाबा आपको, और किसी में दम हो तो करके देख लेना, 1 मिनट, खाली 1 मिनट। आप लोग, पहले मैं बता देता हूं, लेकिन ये याद रखना, जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको हर्निया है, कमजोरी है, वो मत करना, नहीं तो कुछ उग चुक हो सकती है। अब मैं तो कमजोर आदमी नहीं, क्या पता लगा मामला गड़बड़ी हो गया। देखो ऐसे, अब आप में जिनमें थोड़ी ताकत है मेरे साथ साथ करके देख लो, ऐसे तो बड़े मजबूत हो आप लोग, लेकिन अब योग में तो थोड़ा मजबूत मैं आपसे अव्वल बैठता हूं, क्योंकि मैं रोज उसकी प्रैक्टिस करता हूं, तो इसलिए इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है, थोड़ा करके देखो पता तो लगे जरा, थोड़ा लंबा श्वास लेंगे छोड़ेंगे, अभी गर्मी है इसलिए आधा ही मिनट किया है मैंने, आधा मिनट में ही पसीना आ गया,
पसीना चूने लग गया, मतलब इतना आ गया। दिसंबर जनवरी में भी मैं एक मिनट करता हूं तो पूरे शरीर से पसीना तर बतर हो जाता है और कपाल भाती भी ऐसे फास्ट कराता हूं। जवानों के लिए बताया मैंने, मैं दिसंबर जनवरी में गर्म कपड़े नहीं ओढ़ता। अभी भी मैं लेह लद्दाख से ऊपर अपना जो सेंटर है उधर, जहां से एक पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमा दिखते, वहां ऊपर गया तो बोले बाबा जी यहाँ तो सर्दियों में तो 20 डिग्री से भी नीचे चला जाता। जब मैं गया था उस समय भी बोले यहाँ तो मानस में रहता है। वहाँ भी मैंने कपड़े उतार के एक घंटे तक खूब योगाभ्यास किया। मेरे पड़ोस वाले जब थर थर काँपने लगे, मैंने कहा चलो नीचे चलते, ऑक्सीजन लेवल मापने लगे तो नीचे मेरा 97 था, ऊपर पहुँच करके भी करीब 90 के अभाव रहा। सबका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे, किसी का 60 किसी का 65। योग करने वाला कहीं पर भी रहेगा, धरती पर रहे, पाताल में रहे, आकाश में रहे, बर्फ में रहे या रेगिस्तान में रहे, वो हमेशा मजबूत रहता है। ये भी एक खास बात है, आप लोग योग की एक अलग महिमा है ये। बाकी एक्सरसाइज तो अलग, वो बताऊंगा आपको। ये प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। तो ये भस्त्रिका सीधा इफेक्ट पड़ता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है ना, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जान है हमारी बॉडी की, है ना। एक अब ये तो ऊपर का हो गया, देखो ये डबल इंजन वाली गाड़ी है, एक तो इधर है और एक इधर है। आजकल हेलीकॉप्टर हो जहाज हो डबल इंजन वाला बढ़िया माना जाता है। तो एक तो ये इसका ये इंजन है इधर, ये इसका ड्राइवर है, उसको भी ठीक करेंगे। फिर ये एक दूसरा ये है, तो सेकेंड है कपाल भाती। तो एक दो मिनट से लेके 5 मिनट तो भस्त्रिका कर लेना, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। दूसरा एक कपाल भाती, ये बहुत जबरदस्त है, कीजिए सब। हमारे वत्स साहब तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, इसका मतलब रोज प्रैक्टिस करते हैं। हाथ ऐसे रख सकते हैं वायु मुद्रा में, पहली उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। इससे गैस्ट्रिक और तमाम तरह की पेट की बीमारियां नहीं होती। ये कपाल भाती बहुत जबरदस्त है। देखो आप सब लोग अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करते हैं, उसमें मैं आज कुछ ऐड करके चला जाऊंगा, उसमें से भी सीख लेना। मुझे ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज पॉस्चर्स वो सब आते हैं, आपको बताऊंगा आपके लिए भी। वो ऊपर ऊपर से शरीर को ठीक करते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक्टर को, क्रिकेटर्स को, अब जो क्रिकेटर, जो बॉडी बिल्डर्स जिनके अच्छे अच्छे मसल्स हैं, उनको भी कैंसर हो रहा है, उनको भी ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, उनके भी अंदर, क्योंकि उनका अंदर का सिस्टम स्ट्रोंग नहीं हो सकता बिना प्राणायाम और मेडिटेशन के। तो ये अंदर का सिस्टम मजबूत कर रहा है। आजकल एक्सरसाइज सिखाने वाले भी एक डॉक्टर हो गया है, डाइट बताने वाले को डाइटिशियन, और ये एक्सरसाइज वाले को क्या कहते हैं, फिजियोथेरापिस्ट। वो फिजियोथेरापिस्ट अंगुलियों की एक्सरसाइज बता देगा, हाथों की बता देगा, कंधे की बता देगा, गर्दन की बता देगा, कमर की भी थोड़ी बहुत बता देगा, घुटने की भी। उससे पूछो लीवर की एक्सरसाइज बताओ, किडनी की बताओ, हार्ट की, थायराइड की बताओ, वो बोलेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ी ही नहीं। तो ये है लीवर की एक्सरसाइज, ये है स्प्लीन की एक्सरसाइज, ये है अंदर डीप में किडनी, यह किडनी की एक्सरसाइज, यह आंतों की एक्सरसाइज, यह पेनक्रियाज की एक्सरसाइज, माताओं बहनों की यूट्रस ओवरी की एक्सरसाइज, पुरुषों के प्रोस्टेट की एक्सरसाइज, सबको करना जरूरी है। सब करो, करते भी रहो और मेरी बात भी सुनते रहो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर लो। ज्यादा माल पानी खा रखा हो तो धीरे धीरे कर लेना। हम तो भैया सुबह खट्टर साहब आए थे तो उन्हीं के साथ हमने तो एक कटोरी भर खाया था, इतना सा 100 ग्राम। थोड़ा खाते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं खाते, कुछ तो थाली भर के खाते हैं और फिर भी कहते हैं ताकत ही नहीं है, धत तेरेगी। सारा अनाज का नाश कर दिया और फिर यूं कह रहे हैं ताकत ही नहीं है। थोड़ा सा खाओ उसको पचाओ, खाने में कम पचाने में ज्यादा ताकत है भाई। तो मैं तो थोड़ा कम खाया था सुबह, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। आप सुनते भी रहिए और करते भी रहिए।
जो माताएं बहनें कपाल भाती नहीं करेंगी, 99% को कोई ना कोई यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, ओवरी की प्रॉब्लम होगी, या तो यूट्रस में फाइब्रस होंगे या ओवरी में सिस्ट होगी, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम होगी, या तो ओवम की प्रॉब्लम होगी, या मंथली की कोई ना प्रॉब्लम होगी, या मेनोपॉज की प्रॉब्लम होगी जब मंथली बंद होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम माताओं बहनों को रहेंगी यदि कपाल भाती नहीं किया तो। रहेंगी क्या, हो रखी है। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, ज्यादातर पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। प्रोस्टेट का वेट होना चाहिए 20 ग्राम। कपाल भाती नहीं करोगे तो 40, 50, 60, 70 ग्राम हो जाएगा, पीएसए लेवल बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, बाद में पटाखा फूटेगा, इसलिए कपाल भाती पहले ही कर लो। भाई देखो, आप लोग सेना में हो, आपका हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल में जाकर के किसी सैनिक को इलाज कराना पड़े ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप एक भी सैनिक को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा मैं आपको मंत्र देने आया हूं। आप करो योग और ये होगा, ये होगा। किससे होगा? इससे होगा। आप में हमें ज्यादा अंतर नहीं है, आप लोगों की फौज थोड़ी अलग है, हमारी फौज थोड़ी सी अलग है। आप लोगों को, क्योंकि रोज युद्ध करना मना रहता है, रोज हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, भगवान करे रोज युद्ध ना हो। हम लोग सुबह से शाम तक सुबह सुबह योग करते, दिन भर युद्ध संघर्ष ही करते हैं, सेवा करते हैं। ये जबरदस्त काम है, सुबह सुबह एक बार कर लो, दिन भर के लिए निश्चिंत, जिंदगी भर के लिए निश्चिंत। क्या कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, गारंटेड बात है ये। होने के बाद ठीक कर देते हैं, तो करने के बाद होने का तो प्रश्न ही नहीं, होने के बाद हम ठीक कर देते हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम को। जिनका 120 ग्राम तक प्रोस्टेट चला गया, तलौकी का जूस पिलाया, कपाल भाती कराया, प्रोस्टेट ठीक हो गया। माताओं बहनों का यूट्रस के फ्लूइड्स 1 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, आधा घंटा करवा देते हैं, बाकी सामान्य लोगों को 10-15 मिनट करवाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी 1 महीने में ठीक हो जाती है, माने सामान्य तो जो ओवरी की जो सिस्ट है वो, और एक ही महीने में ठीक हो जाती है, ज्यादा ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो 1-2-3 महीना करा दिया लगातार। यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तक अच्छी हो जाती है। और पुरुषों को टेस्टिकल की कोई प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो, कपाल भाती से दूर। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, कपाल भाती नहीं करेंगे तो किडनी में स्टोन हो सकता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो वही किडनी स्टोन है, या गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है वही गाल स्टोन है, किसी किसी को पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाता है, पेनक्रियाज के डक्ट में स्टोन हो जाता है। कपाल भाती करने वालों को कुछ नहीं होगा, कितना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। और एक प्राणायाम, लाभ कितने, कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल, एक कपाल भाती से कोलेस्ट्रॉल का समाधान हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, एसजीओटी, एसजीपीटी, ब्यूरिन एकदम नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल रहेगा एक प्राणायाम से, इतना जबरदस्त है। ये मैंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया इसके ऊपर। अभी आपसे मिल रहा हूं, इससे पहले करीब 10 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की और करीब 10 करोड़ लोगों के ऐसे शिविर लगा के योग सिखाया है। ये तो आज पता नहीं था मुझे इतनी संख्या होगी, नहीं तो हम यहां स्क्रीन से लगा देते, आप और अच्छी तरह से एक एक क्रिया को वाच कर सकते थे। एक दिन में भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, और फिर यदि मौका लगा तो आपके लिए 2-3 दिन का शिविर भी लगाएंगे, जिससे कि पूरा योग सिखाए आपको। क्यों, योग तो सबको आना चाहिए, योग तो हमारी मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, हमारी जीवन पद्धति है हमारी, नहीं तो आज रोग जीवन पद्धति बन गए। पढ़े लिखे बेवकूफ लोग बोलते हैं ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। अरे लाइफस्टाइल डिजीज क्या मतलब हुआ? इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल एंटर इन योर लाइफ। ये डिजीज लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, योग लाइफस्टाइल बने हमारा ना। ये एक प्राणायाम, फायदे कितने, कपाल भाती करने वाले का हीमोग्लोबिन कम नहीं रहता है। सुन लो भाई, आप लोग कई तरह की डाइट खाते हो,
इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इससे कैल्शियम बढ़ेगा, इससे प्रोटीन अच्छा मिलेगा, आपकी डाइट के ऊपर बड़े बड़े रिसर्च होते हैं। अब बाबा प्रोग्राम सुन लो डाइट का, दाल रोटी सब्जी जो भी मिलता है खाओ, कपाल भाती करो, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। 18 साल तक मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया, 18 साल तक मैंने अन्न खाया ही नहीं, मेरा हीमोग्लोबिन 20 सालों से 17.5 रहता है, 17.5 किससे, प्राणायाम के बल से 17.5 हीमोग्लोबिन। यहां बोले बाबा जी सुबह गाजर का जूस पीऊं, शाम को मौसमी का, सेब का, अनार का जूस पीऊं, फिर मुनक्का भी भिगो के खाऊं, गाजर की सब्जी खाऊं, पालक खाऊं, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा बाबा, और क्या खाऊं। मैंने कहा मुझे छोड़ के बाकी कुछ भी खा लियो, धरती की सारी चीज खा ली और फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, कपाल भाती करो, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है।